Hi babies, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribed to my channel, clicked on notification bell so you don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram, Twitter, Facebook. Sari sahi link hoge description box mein. नमस्ते, दिस इज़ द्विजा. और कैसे हैं आप? हम आई थिंक अभी विटनेस करने वाले हैं एक बीफ. एट दिस पॉइंट इट्स नॉट जस्ट वन रोस्ट हियर एंड देयर, ये आमने सामने वार चल रहा है. एंड वी आर एक्चुअली नोटिसिंग अ बीफ विच इज़ नॉट रियली रैपर्स के बीच में. राइट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग विद दिस. एंड वी आर सीइंग हियर दैट इज़ हेलो बबीता जी. प्लीज़ कैन वी नॉट कॉल हर बबीता? आई मीन आई थिंक आई लाइक द बबीता वाला कैरेक्टर. ठीक है, आई मीन मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा इतना देखती नहीं हूँ. आई एम नॉट लाइक दैट कंसिस्टेंट विद वॉचिंग इट, बट आई डू नो द कैरेक्टर्स वेरी वेल एंड आई डू लाइक द बबीता कैरेक्टर. बेबिका जी को मैं इतना जानती नहीं हूँ, बट आई एम नॉट द बिगेस्ट फैन ऑफ हर. राइट, उतना रखेंगे बोटी बोटी. लेट्स गो, लेट्स गेट इट. आई हैव नो आइडिया क्या होने वाला है, बट होपफुली या इट्स गोना बी फन. जाएगा, रहेगा, मजा आएगा. लेट्स गेट इट. क्योंकि भाई निश्चय को वैसे भी थोड़ा एनिमल अब्यूज ना पसंद नहीं है, बट फिर भी निश्चय भाई ने उनके ऊपर वीडियो बनाई जो हमने देखी. बनाने के बाद आई वाज स्टंड, ओह माय गॉड, ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि ट्विटर पर मतलब एक पेज ट्रेंड होता ना, ट्रेंडिंग ओवर इंडिया करवा दिया शेमलेस मल्हान ब्रदर्स. ओह माय गॉड, बेबिका जी, ओ सॉरी बबीता जी, आपके भी फैंस हैं. फिर आई रियलाइज कि नहीं, फैंस नहीं है, मतलब लोग भाई कुछ भी कर सकते हैं. बट मैं कह रहा हूँ इतना भी डम, इतना भी बेवकूफ, इतना भी गधा कोई नहीं हो सकता कि जो बेबिका जी के लिए ट्वीट करेगा. बिल्कुल भी नेवर एवर, मैं मान ही नहीं सकता यार. मतलब मुझे तो समझ नहीं आता, जब मैं बिग बॉस के बाहर निकला था ना, मैंने ऐसे सोचा था कि नहीं बिग बॉस खत्म, चलो एंजॉय करेंगे लाइफ. अरे भाई ये देखो बबीता जी को जब देखो, क्या है अभिषेक मनीषा, अभिषेक मनीषा यही करती रहती है. इनके फैंस टॉक्सिक है, इनके फैंस टॉक्सिक है. अबे जो तुमने हमारे साथ बिग बॉस के घर में करा है उसके बाद तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो? विलन थे भाई, तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो? विलन थे तुम, पूजा करेंगे नहीं करेंगे भाई? हद मचा रखी है यार. स्टार्ट करने से पहले यही बोलना चाहूंगा कि भाई तुम सुधर जाओ. और क्या ही बोलूं यार, मैं बहुत गुस्से में आ गया था इनिशियली जब निश्चय भाई ने रोस्ट करा था ना, उसके बाद मैंने सोचा कि अब तो मेरी भी बारी है. पर फिर मैंने कहा चल छोड़ यार, छोड़ो. देखो सीधी सी बात है, मैं बहुत अलग टाइप का इंसान हूँ. मेरे मुंह पे कोई बोलेगा ना तो मैं मिनट से पहले दांत निकालने का दम रखता हूँ. पर ये मैं इंटरनेट पे नहीं भोंकना जानता, सही बता रहा हूँ. मैं ऐसे इंटरनेट पे आके ब्ला 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 ब्ला, ये मेरे बस की नहीं है यार. मैं इंटरनेट पे आता हूँ, इंजॉय करता हूँ लाइफ, अच्छी अच्छी वीडियोस डालता हूँ अपनी ऑडियंस, कोशिश करता हूँ वो मुझसे कुछ सीखे, मैं उनसे कुछ समझूं और लाइफ में ग्रो करूं. बहुत कुत्ते पहले भी भौंके हैं. His mindset is everything. भाई मुझे ना सही बताओ, इंटरनेट पे भौंकना पसंद है. मेरा रिक्वेस्ट है जिसको भी मेरे से नफरत है, भाई नफरत रखो, मैं क्या कर सकता हूँ. मेरी तरफ से कोई नफरत नहीं है. मैंने अपनी ऑडियंस को हमेशा बोला है प्यार बांटो, भी वही बोलूंगा. बट हाँ, अगर किसी को दम है ना मेरे सामने आके मेरे से एक बार मिल के बात करना और फेस टू फेस बात करना, और अगर कुछ फालतू बोलना हो ना तो यहाँ पर खड़े होके बोलना, क्योंकि ना यहाँ खड़े होके कोई पहले बोल पाया ना अब बोल पाएगा. बस ये याद रखना. शब्बा खैर, मीम्स देखेंगे. Oh, it's a meme review. फोटो लोग तोड़ देते हैं. Pausing it. I thought ये rant, ये roast video होगा. But like I said last time, जितना मैंने अभिषेक को जाना है, समझा है, at least meme reviews से, and it tells a lot about people. Frankly, it does tell a lot. And like I said last time, I do not think Abhishek is someone who will say anything as such. Yes, I completely understand and like उन्होंने बहुत बताया. अगर someone is disrespecting you और आप गलत नहीं हो, यू कैन करेक्ट दैट पर्सन, यू शुड करेक्ट दैट पर्सन. वो डिसरिस्पेक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए उनकी लेवल पर गिरने की भी ज़रूरत नहीं है. वाई यू गेट सो मैड अगर तुम अग्री नहीं करते उससे? तो नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, यू डोंट नो दिस यार, पढ़ाना दिखाना. इट्स जस्ट माई ओपिनियन, यू डोंट हैव टू अग्री. जैसे मैं तुम्हारे ओपिनियन से अग्री नहीं करती हूँ, आई जस्ट लेट इट गो, इट्स ओके. बट आई न्यू दिस दैट ही इज नॉट समवन हु विल स्टूप दैट लो एवर. और मेरी जो इम्प्रेशन थी उनकी, वो बनाए रखने के लिए आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक अभिषेक सो मच. जेन्युइनली ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन. वेरी वेरी ग्लैड समवन लाइक दिस इज़ इन पावर. और ये इतने सुंदर माइंडसेट फैला रहे टू द यूथ हु नीड्स इट, पीरियड. आई एम इन लव विद दिस माइंडसेट एंड नॉट इन लाइक दैट काइंड ऑफ वे. ठीक है, वो बहुत ही खूबसूरत इंसान है एंड आई जस्ट अप्रिशिएट हिम फॉर दैट.
ये तो अभी भी नहीं आए बिग बॉस में. जादू इज नॉट एलियन. निश्चय भाई ने अपनी वीडियो में क्या बोला था? This happened. She got a baby. She got a baby. Yeah. Priyanka. She got a baby. Okay. Katrina. मैं आ जाऊँ क्या? अपनी पर. मिल मेरे को कहीं बाहर. अरे नहीं मिलूँगा. आप ही नहीं मिलोगे ना सलमान भाई. आप तो बहुत ज़्यादा busy हो. सलमान भाई पोलका डॉट ड्रेस के बाद baby हो गया था. But आपसे नहीं. विक्की जी से. ओए ओए. ओए ओए. अभी नहीं हुआ है. I don't know. चपड़ गंजू. बेटा तेरा घुटना तो है ही भद्दा. मतलब तू मतलब तू सारी भद्दी. बात ऐसी करो कि जाने में लोग एक्सेप्ट कर ले. Oh my god. देख तेरे बोतल की क्या. वो भी सही है. ये देखो मीम बन गया. मीम बन गया. कौन है बेबी का प्लीज. मार खाएगा. करते अपना काम खुद कर तू. चुपचाप कर दे. इसका मतलब नहीं तेरे को. मनीष इज स्लीपिंग. ऐसे चलेगी तो नहीं. देख मैं बता रहा हूँ दो रोस्ट वीडियो घर जाके एक्स्ट्रा बनाऊंगा तेरे पे. मैं भी तेरे को रोस्ट करूंगी. तू करियो तेरी देखेगा. मैं छोड़. मनीषा सो रही थी या she was just like chilling. बेचारे गाने के भी व्यूज तभी बढ़े जब मैंने और निश्चय ने रोस्ट डाला. ओ मार्केटिंग स्ट्रेटजी. अब यू शुडंट हैव डन दैट. मैन हु गॉट स्लैप्ड. इंडिगो पायलट वाज गोइंग टू गोवा फॉर हिज हनीमून. ब्रो वेटेड फॉर 20 इयर्स बट कुडंट वेट फॉर 13 मोर आवर्स. ओ माय गॉड. अब समझ रहा हूं भाई में इतनी गर्मी क्यों है चाटा मारने की. नॉटी नॉटी नॉटी. व्हाट व्हाट. एक सीमा होती है और मुझे लगता है तुम उस सीमा को भी पटा सकते हो. ओके वाओ. एक ही बंदी होनी चाहिए. उसी से प्यार करो. लॉयल रहो और खुश रहो. लुक्स लाइक माई फ्रेंड. लुक्स सो मच लाइक माई बेस्ट फ्रेंड. एक्चुअली उनका माइंड सेट भी सिमिलर है. पोटी नहीं मेरा गाना है. पोटी पोटी पोटी. ये क्या है. आई गॉट द थंबनेल. पानी पूरी. आई हियर अबाउट सुका पूरी. कैन यू डू दिस. नॉन स्पाइसी. नहीं. आपका नाम राम. वाओ. जय श्री राम. वाह जी वाह. क्या बात है. यहाँ पर मैं ना छोटा सा तुम्हारे को थोड़ा सा ज्ञान देना चाहूंगा. देखो राम जी आ गए हैं अयोध्या. सबने जाना है मंदिर जाना है मत्था टेक के आना है. एक चीज और सबने करनी है. राम जी की क्वालिटीज को भी अपनाना है. ऐसा नहीं है कि भाई तुम जय श्री राम लिख के लोगों को दूसरे कॉमेंट सेक्शन में गाली दे रहे हो. दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. भाई गाइस आपने भी रिस्पेक्टफुल रहना है. हर इंसान की इज्जत करनी है. सबको इक्वली ट्रीट करना है. कोई भेदभाव नहीं करना. गाली गलौच नहीं करना. प्यार से रहना है. And again, not in like, I don't have a crush on him or anything like that. I just love this man as a person. He's. Okay, तो next meme पे जाने से पहले मैं आपको. Thank you. Imagine करो जैसे आप PC के सामने बैठे हो और आप बहुत सारे पैसे बना सकते हो. PPL. Okay, then we can talk by that time. हाँ ना मुझे पता नहीं था ऐसा है तो मैं pause नहीं करती. हम यहीं बोल लेते. But ठीक है. That's fine. I'm more than glad. See every time Abhishek does a meme review, he just says whatever we want to say. So I'm more than glad कि हमारी थोड़ी ज्ञान कम दे वाली कमेंट्स कम हो जाएगी हमारे यहाँ से. नहीं हम देंगे. तुम्हें नहीं देखना है तो मत देखो. जितना आई कैन शेयर येस. इफ आई कैन टेक थोड़ा ज्ञान फ्रॉम यू आई विल टेक दैट. आई एम ऑलवेज ओपन फॉर इट. आई एंजॉय इट एंड आई लव इट. रोड है अरे फ्लावर के नीचे अंकल सोते हैं इनकी ना टांग टूटी हुई. अरे तो अंकल जी खड़े होकर दिखाना एक बार. जोगिंदर भाई क्या कर रहे हो. तारा भाई जोगिंदर क्या कर रहे हो यार. क्या मतलब क्या करना चाहते हो यार. जोगिंदर भाई मत करो ऐसा यार. वीडियो बनाने के चक्कर में तुम जिसके पैर ने उसको करो बैठा क्या है. खड़ा हो जा. क्या कर रहे हो यार जोगिंदर भाई. फुकरा इंसान वर्सेस बेबी का ऑडियो टाइप था शॉर्ट्स पे आया. अच्छा और इस पे उसने लिखा है बेबी का ने आई वाज रिसेंटली अप्रोच्ड बाय फुकरा इंसान टीम फॉर अ शो टू डू विद हिम व्हिच आई क्लियरली सेड अ बिग नो. आई वंडर इफ द सोशल मीडिया फेम्स बिलीव दे मेड अ शो अ हिट एंड गॉट टीआरपी देन व्हाई डू दे हैव टू अप्रोच मी बेगिंग टू वर्क विद देम. मैं मेरी जिंदगी में भगवान कसम अगर तुम्हारे
तुम्हारे साथ काम करूंगा ना तो मेरे को महीने का महीने छोड़ो मेरे को पर दिन का कम से कम 50 लाख रुपए चाहिएगा तब जाके मैं आंखों में पंजाब डाल के आऊंगा आपको शो में होस्ट करने के लिए मैडम। हद मचा दी यार तुमने, देखो मैं और मेरी टीम इस बंदी के पास तो कभी नहीं जाने वाले, मतलब सामने से कोई कहेगा ना कि 50 लाख रुपए तुम्हारे को मिलेंगे तब मैं सोचूंगा कि चलो ठीक है इतना पैसा तो इसकी शक्ल दे लेता हूं, तब भी तजाब डालना पड़ेगा आंखों में। ये क्या सोच रही है, कोई कंपनी हो वो शो बना रही हो वो टीवी एक्टर्स को बुलाना चाह रही हो वो तुम्हें अप्रोच कर रही है, मुझे उसका पता भी नहीं, अगर मुझसे पूछती तो मैं क्या कहता बेबी का को बुलाओ मेरे शो पे ब्रो कम ऑन, मतलब कुछ भी। जब तुम बैग उठा के जाना चाहती थी ना बिग बॉस के घर से मैंने तुम्हें बोला कि नहीं रुक जाओ कोई दिक्कत नहीं, अंदर ही अंदर तो मैं चाहता था मैं निकल तेरा बोलने का मतलब यही है पूरा सुनो ये थोड़ा मैंने बोला था अभी मुंह खोल के तेरे जुबान में डाले नहीं है वर्ड्स, हो जाता है कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है थोड़ा ठीक है एक्टिव पैसिव वॉइस का गड़बड़ हो जाता है भाई भाई आपका वी लव इट मेरा फोन तो ये 100 आईक्यू इट्स रॉ इट्स नेचुरल इन योर लेटर कॉल Nice. Grazie a tutti per gli auguri di compleanno che mi avete mandato privatamente con i vostri social, davvero tanto incoraggiamento del quale farò tesoro, siete la mia forza. Sì, Meloni ji. Much just... kuch nahi hai par sun ke acha laga. Munawar bhai, meri chalo behan se shaadi kar lo. Photo dikhao karte hain prabandh kuch. वैसे मैं शक हो रहा है कि मुनावर भाई के चारों गर्लफ्रेंड जो है वो इसी बंदे ने जिसने बोला था उसकी तो बहनें नहीं चारों We had seen this. I remember. जब स्टार्ट में आया था बिग बॉस का. दिखी नहीं रही थी आगे सामने सोफा था मैं उससे बात कर रहा था. Excuse me भाई, क्या तुम मेरे लिए मेरी घड़ी पहना सकते हो? मैं रनिंग गाय हूँ क्या? मोए मोए, ओहो, ये रनिंग गाय तो बहुत सही है भाई सही में. मोए मोए, मोए मोए. ये सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है. कितना एडिक्टिंग सॉन्ग है. अच्छा ओ पीओवी वाला मेरे को मत सोचना भाई मत करा कर नहीं तो एक्सपोज हो जाएगा बिग बॉस में तेरी भी एक्स गर्लफ्रेंड आएगी मोए मोए बिग बॉस में जाने बुलाएंगे चाटा मारा एज अ फादर आप पर क्या बीती कुछ नहीं क्योंकि बचपन से तो चलता आ रहा है समर चाटा खाता रहा नाइस द मोस्ट ऑकवर्ड मोमेंट अंकल जी बॉस ये है भाई ईशा और समर्थ के पापा ठीक है और कौओ के okay. वो कह रहा है मिलेंगे शादी पे जब तब बात करेंगे अभिषेक लाइन सुन गाना था हम दोनों का कि मेरे जीजा जी लाइक मेरी बेबी का ने बड़े वर्ते हैं किए बिग बॉस में खेले खेले तेरे भाई को ही पहले तो निश्चय ने दिया ना भाई मोए 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 प्लीज सम मल्टीपल टाइम्स आई एम ओके भाई अप्रेजल नाइस गुरुजी का फोन इज ग्रेटर देन मालदीव्स की जीडीपी गुरुजी अब हमारे पास भी गोल्ड आई फोन से है किसी ने व्लॉग में देखा तो देख लेना भाई का नया फोन एंड हा पॉकेट ब्रोकर भाई लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में जाओ मेरा कूपन कोड यूज करो मिस मत करना अच्छा ओके ओ इट्स ओवर ओके ओ वेल हमें पता होता बीच में तो वी वुडंट हैव स्टॉप्ड बट इट्स ओके आई शुडंट वरी उसके बारे में या इट वॉज बेसिकली उनके बिग बॉस वाले ही सारे मीम्स रोस्ट कॉन्वर्जेशंस जो भी बोल सकते हैं उसको बट या ट्रूली आई स्टिक ऑन दैट जस्ट बिकॉज तुम्हें बस उनके लेवल पर घिरने की ज़रूरत नहीं डजेंट मीन कि तुम उनको बताओ नहीं उनकी प्लेस कहाँ है उनकी औकात कहाँ है तुम्हें दिखाना ज़रूरी है उसका देर इज़ नो
क्वेश्चन. सो आई फेल्ट दैट लास्ट टाइम आई सेड दैट एंड वो सामने कोई भी हो, किसी का भी वीडियो हम देख रहे हो, अगर हमें ऑनेस्टली कुछ लगेगा ऐसा तो हम बोलेंगे. बट लाइक आई सेड आई न्यू टू माई कोर के यार देयर माइंड सेट इज वेरी प्योर एंड दे विल नॉट डू दैट एंड आई वॉज करेक्ट. आई एम मोर देन ग्लैड ये वीडियो. मैं स्टार्ट में थोड़ा सोच रही थी वीडियो करूँ ना करूँ, इट माइट बी लाइक आई डोंट नो, थोड़ा बीफ जैसा चीज़ ही मेरे लिए थोड़ा ट्रिगरिंग होता है. बट दिस वॉज टू गुड, आई लव्ड इट, ट्रूली एन्जॉयड, होप यू डिड टू. एंड अगैन इफ यू अग्री विथ मी ग्रेट, अग्री नहीं करते हो ग्रेट, इट्स ओके, दैट्स फाइन, नो वन हैज़ टू अग्री विथ मी, आई डोंट हैव टू अग्री विथ यू ईदर. बाय, लव यू.